तुकाल एमसी स्क्वायर का एक हरियाणवी कमर्शियल ट्रैक आया जिसमें शहनाज गिल ने भी हरियाणवी में रैप कर रखा था। और जब मैंने वो रैप सुनया मुझे लगा ये क्या है। और शहनाज गिल की हरियाणवी सुनया बात मैंने उस ट्रैक का रिव्यू करने का भी मन नहीं करया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसी स्क्वायर के सॉन्ग में इस तरह की हरियाणवी लैंग्वेज की बेइज्जती हुई है। ज्यादातर हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड के कमर्शियल ट्रैक बनाने के चक्कर में हरियाणवी लैंग्वेज की इस तरह बेइज्जती होती है। एक कमर्शियल ट्रैक बनाने के चक्कर में हरियाणवी लैंग्वेज ने इतनी मॉडिफाई कर दे हैं ना बाद वो फिर हिंदी रहती और हरियाणवी वह बन को न पाती कुछ और बन जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हरियाणवी सॉन्ग्स के साथ ऐसा क्यों है। आज की वीडियो थोड़ी सीरियस टॉपिक पे होने वाली है। और अगर थारा भी कोई फेवरेट सिंगर ने गाना गा रखा है और हरियाणवी कमर्शियल बनाने के चक्कर में सॉन्ग की यात्रा कर रखी है और तुम उस सिंगर के अंधे भक्त हो तो तुम भले इस वीडियो से ऑफेंड हो सको हो, थारा तो अक बने है यार ऑफेंड होने का। तो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ भाई क्या चाल सब बढ़िया, स्वागत है तुम्हारा ओजी डूड की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आलिया तारा भाई ओजी डूड। तो पहला तो तुम ये ट्रैक चेक करो। और होगा बदमाश तेरे लाके में छोरे तेरे जैसे पड़े फेड़ मेरे खाते में छोरे अरे हट जा रे ताऊ पाछ न मन तल्ली हो करना चण दे मेरी बेबे घर पे वेट करा क्यों तेरे पीछे हांडू। और तुमने बिरा पाटिया हुआ कि हरियाणवी लैंग्वेज की किस तरह बूंदी डाल माटी पीट रखी है। तो यही वो ट्रैक है जिनके कारण मैंने यह वीडियो बनानी पड़ी। बेसिकली इस वीडियो में मैं दो पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। तो पहला पॉइंट है क्यों आजकल जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है और जो हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री है उन हरियाणा साइड अपना फेस कर लिया और हरियाणवी ट्रैक इतनी डिमांड में क्यों है। और दूसरा पॉइंट है कि हरियाणवी जो सॉन्ग है उसकी फील चेंज क्यों हो जाए हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने के बाद। पॉइंट फर्स्ट, आखिर क्यों ये जो बड़ी बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री है और जो बॉलीवुड की मूवीज है उन हरियाणवी लैंग्वेज के साइड अपना फेस कर लिया और हरियाणवी ट्रैक्स ने अपनी फिल्मों में इंक्लूड करने लगे। और अगर इसके कारण या रीजन की बात करूं तो वो है नंबर्स। यह एक ऐसी चीज है जिसके पीछे सब पागल है। अगर नंबर पैसे में हो तब भी लोगों का प्रॉफिट, अगर नंबर यूट्यूब के व्यूज में हो जब भी लोगों का फायदा, क्योंकि व्यूज इक्वल टू मनी। और व्यू तो याद आया, हरियाणा के 13 ऐसे ट्रैक है जो 500 मिलियन का नंबर क्रॉस कर रहे हैं। और देखा तो 500 मिलियन वो कोई छोटा नंबर नहीं है। इतने नंबर मेरे चैनल पर आ जाए तो मैं पूरी उम्र बैठ के कहूंगा इतना बड़ा नंबर है। और इन सॉन्ग्स में एक सॉन्ग ऐसा भी है जो 1 बिलियन का नंबर क्रॉस कर रहा है। और इन 13 ट्रैक्स में दो और ऐसे ट्रैक हैं जो जल्दी 1 बिलियन का नंबर ने टच करने वाले हैं। और जो इन 13 सॉन्ग्स में 1 बिलियन का नंबर क्रॉस कर रहा है वो सॉन्ग पूरे इंडिया का सेकंड मोस्ट व्यूड सॉन्ग है। और पहला पे है जैसमान का लहंगा पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री थे। और उस भी ऊपर है हनुमान चालीसा जो की एक रिलीजियस सॉन्ग है और इसने अभी सॉन्ग में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ईव अभी सॉन्ग वाली कैटेगरी ने देखा तो इंडिया का सेकंड मोस्ट व्यूड सॉन्ग है हरियाणवी ट्रैक। तो यार नंबर तो मैटर कर रहे हैं। और यो एक कारण है हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड ने हरियाणवी लैंग्वेज की गाने में मां बहन कर रखी है। तो आओ ये बात कर ले अपने सेकंड पॉइंट की, जो फील हरियाणवी ट्रैक में आवा है हरियाणा के आर्टिस्ट के साथ वाई फील फिर हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड में क्यों नहीं आ पाती उनके हरियाणवी गाने में। तो इसका एक बिल्कुल सिंपल सा रीजन है कास्टिंग। जो सिंगर या जो एक्ट्रेस जिन्हें बेरानी हरियाणवी लैंग्वेज के है या बोली कुकर जावा है उसने फिर गान खातर खड़ा कर दोगे, फिर उसने जितनी थोड़ी बहुत रिसर्च कर रखी है या किसी से पूछ रखी है कुकर गाई जागी लैंग्वेज वो फिर अपने हिसाब से थोड़ी हिंदी थोड़ी हरियाणवी और थोड़ी राजस्थानी जो भी मिले मिला मुलू का उसने हरियाणवी लैंग्वेज का ठप्पा दे देगा। लियो जी तैयार हो गया एक हरियाणवी बॉलीवुड कमर्शियल ट्रैक। इसका एग्जांपल तुम से रफ्तार के घना कसुत्ता दे ले लो, दिल्ले बहुत पड़े हैं दिल्ली, या फिर शहनाज गिल का जो रैप है एमसी स्क्वायर के ट्रैक घनी सियाणी में उस ते ले लो। दोनों में किस तरह की हरियाणवी है मैंने बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नहीं तो मलयालम आर्टिस्ट या पंजाबी आर्टिस्ट ते रैप करवाओगे हरियाणवी लैंग्वेज में तो रिजल्ट तो ईसा ही मिलेगा। और अगर एमसी स्क्वायर ने एक हरियाणवी कमर्शियल तैयार करना था तो फिर हरियाणा में ऐसी बहुत सी फीमेल आर्टिस्ट है जिनकी वोकल शहनाज गिल तो बहुत बढ़िया और बहुत परफेक्ट है। हाँ शहनाज गिल पे एक्टिंग करवा लेते, एक्टिंग बंदी की बढ़िया है लेकिन वोकल बिल्कुल खराब। तो जल्दी से तुम कमेंट सेक्शन में बताओ हरियाणा की कौन सी फीमेल आर्टिस्ट के वोकल एमसी स्क्वायर के साथ बहुत बढ़िया जचते। और बॉलीवुड कुछ इसे ट्रैक पर चल रहा है, किसी भी फेमस हरियाणवी सॉन्ग के राइट खरीद लेगा फिर उसने किसी और स्टेट के बंदे तक गवा देगा और गाने की बिल्कुल माटी पीट देगा। तो यह स्टोरी है आजकल हरियाणवी सॉन्ग्स की हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो मैंने अपना ओपिनियन इस वीडियो में रख दिया, इब जल्दी से तुम अपना कमेंट सेक्शन में बताओ थारा ओपिनियन के इस टॉपिक पे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। और इससे पहले मैंने एक हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के डाउनफॉल के बारे में बात करी थी, वह वीडियो भी लेफ्ट में आ रही है, अगर तुम चेकआउट करना चाहो तो उसने भी देख सको। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तक के लिए राम राम। मैं तेरा ओंगारा तू होगी माइन, आज तो छोड़ दे दे दो नंबर की गाना ना लिखे हो लिखे रिजाइन।